ऐसा सेक्टर जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आज के दिन या फिर कुछ दिनों से जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या हम लोगों ने उस सेक्टर में क्या शेयर्स को खरीदना चाहिए, अगर खरीदने जाते हैं तो क्या हमारे लिए एडवांटेजेस है, उसी के साथ साथ क्या क्या वहाँ पे डिसएडवांटेज भी हमें फ्यूचर में मतलब रिस्क के थ्रू क्या क्या डिसएडवांटेज यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। उसी सेक्टर में कौन सा ऐसा बेस्ट स्टॉक है जिसको हम चाहे तो स्टडी कर सकते हैं विथ लॉजिक, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को कवर में करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते सेक्टर के नाम के साथ। तो दोस्तों वो सेक्टर है शुगर सेक्टर। आज के दिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि शुगर के जितने भी शेयर्स आप मतलब एक थोड़ा सा चेक करोगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, तो बहुत सारे शेयर्स में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो एंटायर सेक्टर में यहाँ पे तेज़ी है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिकल रीज़न रहेगा। तो अगर आप उसको चेक करने के लिए गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी के सभी शुगर स्टॉक यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से स्वीट रैली दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है एल नीनो। यस दोस्तों, एल नीनो के चलते यहाँ पे शॉर्टेजेस का फियर हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है, एंड इसी चीज़ के चलते शुगर स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग यही सोचेंगे ये एल नीनो सर आप क्या बोल रहे हो। अभी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो एल नीनो यहाँ पे क्या होता है, तो आपको ये जो टर्म रहेगा उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मतलब और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें जानने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट फिर भी इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो ज़रूर हम लोग ये एल नीनो ला नीना एग्जैक्टली बेसिक क्या होता है वो बताने की कोशिश करूँगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। सो दोस्तों, एल नीनो मतलब ये जो टर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ना, आप चाहो तो इनको किस चीज़ से रिलेटेड ये लिंक है पता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वेदर से रिलेटेड है। जो हवामान हम लोग को देखने को मिल जाता है ना, कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, मतलब ज़्यादा बारिश होगी या फिर बोलते हैं ना कि ज़्यादा धूप आएगा, हीट वेव आएगा, तो इस प्रकार की चीज़ें के लिए ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर एल नीनो बोला गया है तो ये बुरा शब्द है। बुरा शब्द है मतलब यहाँ पे मतलब जो भी वेदर से रिलेटेड बातें आएंगी ना वो अच्छी बातें नहीं होंगी। एंड इसका जो दूसरा अपोजिट शब्द देखने को मिल जाता है ला नीना, ये अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द है मतलब मान के चलिए ऐसा कि अच्छा मौसम रहेगा, अच्छी बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, या फिर और भी अगर बोलना है तो हीट ज़्यादा नहीं होंगी, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, इस प्रकार की आप चीज़ों को पकड़ लो तो ला नीना के अंदर ये चीज़ें आ जाती है। एंड एल नीनो की बात करें तो प्रॉपरली बारिश नहीं होगी, या फिर अगर बारिश होगी तो इतनी बारिश होगी कि सब कुछ बर्बादी करके बैठ जाएगा, देन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, हीट वेव होगा। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हम शुगर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या जिक्र हो रहा है, एल नीनो का जिक्र हो रहा है। सो एल नीनो का जिक्र होना मतलब क्या कि जो लॉजिक में अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि जो हवामान रहता है वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा बारिश हो मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बारिश हो सकती है, हीट वेव हो सकता है, तो इसके चलते जो फसलें रहती है, जो क्रॉप्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, खेती देखने को मिल जाती है, वो बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड आपको पता ही है अगर ये चीज़ें बर्बाद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपको पता ही है कि डिमांड यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को अगर मिल जाती है एंड अगर सप्लाई कम होते हुए देखने को मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हम लोग को आसमान छूते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यही चीज़ें अभी फिलहाल हम लोग को शुगर स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हो इस आर्टिकल को वापस पढ़ लेना क्या लिखा है, एल नीनो के डर के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, शॉर्टेजेस का खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हम किन पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं, शुगर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो शुगर में हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, शुगर का जो डिमांड है वो तो हायर लेवल पे रहता है बट सप्लाई बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि फसलें बर्बाद हो सकती है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड शुगर के दाम अगर आसमान यहाँ पे छू जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है शुगर स्टॉक्स के लिए तो अच्छी बात है। पहले अगर एक चीज़ अगर 10 रुपये में बेची जाती थी, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप उसको 20 में बेचो, लोग लेने के लिए मतलब यहाँ पे रेडी है करके, तो इसीलिए शुगर स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो जरूर इन चीज़ों को यहाँ पे आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो जो शुगर कमोडिटी हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला 4% की तेज़ी देखने को मिली है, इतना ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है शुगर स्टॉक मतलब कमोडिटी में। एंड जो जो कंपनियाँ शुगर से रिलेटेड बिजनेस करती है उनके लिए तो अच्छी बात है। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हम शुगर को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अभी एक्सपोर्ट में भी देखा गया तो सरकार ने बहुत सारे बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे बट वो भी अभी हटने की बात हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी शुगर कंपनियां हैं वो यहाँ पे क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर्स को एक्सपोर्ट करेंगी एंड मजबूत पैसा छापेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम देखिए क्या रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको आज के तारीख के हिसाब से या फिर
जो अभी तक का जो रेट यहाँ पे चल रहा था 25 के आसपास हम लोग को रेट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप इसका अभी तक का डेली प्राइस भी देखोगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो वो हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहा था, बट सडनली हम लोग को अभी ये स्पाइक आते हुए ये 25 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक डेढ़ दो साल की बात करें तो ये नियरली 15-16 के आसपास चलता था। ऑब्वियसली मैं डॉलर टर्म्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते शुगर स्टॉक्स में हम लोग को एक जोश नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड जितने भी आप शुगर कंपनियाँ देखोगे, उत्तम शुगर मिल्स की बात करें 11-11.5% की तेज़ी, बजाज हिंदुस्तान की बात करें 8% की तेज़ी, देन जितने भी कंपनियाँ शुगर्स की रहती है 12-13% की तेज़ी, देन ये भी कंपनी आप देख सकते हो शक्ति शुगर 4-4.5% की तेज़ी, श्री रेणुका शुगर की बात करें 3-3%, बलरामपुर चीनी की, मतलब जितने भी शुगर स्टॉक्स है सब में हम लोग को मिठास देखने को यहाँ पे मिली है। तो रीज़न तो आप लोगों को पता चल गया ना, इंटरनेशनल मार्केट में एल नीनो का खतरा है। एल नीनो मतलब खराब हवामान, खराब हवामान मतलब फसलें बर्बाद होंगी तो शुगर के जो प्राइस रहेंगे वो आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि उनका डिमांड हाई रहता है, सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। सो इस चीज़ के चलते शुगर स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। अभी शुगर स्टॉक्स में देखा गया ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रहता है, बहुत मतलब बहुत। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत क्यों है, अभी पिछला कुछ चंद महीनों के पहले का ही न्यूज़ देख लेना कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का दाम तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा था, बट हमारे देश के अंदर ही इन्फ्लेशन को भी टैकल करना है। एंड यहाँ पे जो शुगर बनती है वो बाहर जानी नहीं चाहिए, अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएंगे एंड इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल होते हुए देखने को लगा है। तो इसलिए एक्सपोर्ट करने के ऊपर सरकार ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, सो रेस्ट्रिक्शन डाल दिया तो वापस स्टॉक क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए सरकार इन सेक्टर के ऊपर बार बार प्लस माइनस वाला खेल चलता रहता है, बीच में ही एक्सपोर्ट अलाउड कर देगा, बीच में एक्सपोर्ट कम कर देगा, अलाउड मतलब पूरा बंद नहीं करता है, रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि आप इतना इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो करके, बाकी आपको डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे इनको बार बार परेशानी यहाँ पे होती रहती है। इसीलिए आप देखोगे मैक्सिमम शुगर स्टॉक्स में हम लोग को वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल जाती है। अभी बलरामपुर चीनी देखोगे ठीक है ऊपर है करके, बट वॉलेटिलिटी देखिए एक ही दाम में यहाँ पे चलता रहता है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं वो इथेनॉल की अभी हम लोगों को धीमे धीमे करके डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, तो इस चीज़ के चलते शुगर कंपनियों में भी एक अच्छा खासा टर्न अराउंड यहाँ पे हो सकता है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इथेनॉल की बात करें, राइट, तो उस हिसाब से आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन श्री रेणुका शुगर की बात करें, देखो सभी के सभी हम लोग को मैक्सिमम ट्रेडिंग वाले स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न ही ये देखने को मिल जाता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतने सारे शुगर कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाएगी, स्टडी करना है ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इन कंपनीज को ज़्यादा वैसे भी कवर यहाँ पे नहीं करता हूँ, बट अभी खबर जैसे जैसे आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट रखने के लिए चीज़ें बतानी पड़ती है। तो स्टडी करने के लिए कौन सी कंपनी को फोकस किया जाए एंड अलॉन्ग विद द लॉजिक, तो दोस्तों शुगर कंपनी में स्टडी करना है तो EID पेरी ये जो कंपनी है इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले ये भी अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जो रहता है इसकी जर्नी ठीक है ऊपर है करके, बट बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। सो सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो EID पेरी शुगर कंपनीज में देखा गया तो श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, EID पेरी, ये हम लोग को बड़े कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड बड़े भी देखने के तो यहाँ पे कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है दोस्तों, मैक्सिमम हम लोग को ये सारी कंपनियां मिड कैप ही देखने को मिल जाती है। सो ये भी जो कंपनी है नंबर वन पे ही काम फिलहाल करती है, तो कितना मार्केट कैप है इसका, 8,500 करोड़ का ही मार्केट कैप है एंड अपने ही सेक्टर का ये लीडर है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, अभी फिलहाल श्री रेणुका शुगर नंबर वन चल रहा है 9,000 करोड़ के मार्केट के साथ, ये 8.5 पे चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अभी रीज़न क्या है, तो दोस्तों रीज़न है EID पेरी एक अच्छे रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करता है ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग देखा गया तो कौन सा ग्रुप है, तो दोस्तों इसका पेरेंट ग्रुप देखिए मुरुगप्पा ग्रुप की हम लोग बात करें। अभी मुरुगप्पा ग्रुप से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, बट फिर भी जिनको नहीं पता चलो उनकी विश भी पूरी कर ही देता हूँ। तो मुरुगप्पा ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, 123 साल पुराना ये ग्रुप देखने को मिल जाता है। हेडक्वार्टर इसका आपको तमिलनाडु चेन्नई में देखने को आप मिल जाएगा। सो ये कंपनी की बात करें, ये जो ग्रुप है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी कुछ कितनी सब्सिडरी है, देखो इतनी लंबी लिस्ट है, अभी 100 साल पुराना ग्रुप है तो बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी इसमें से दोस्तों जो आप लोगों को हाईलाइटेड कंपनियां देखने को मिल रही है, जो नीले रंग में कंपनियां देखने को मिल रही है, ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ये कंपनी आप लोगों को पता ही होगा, यस ये मुरुगप्पा ग्रुप का ही है। देन छोला मंडलम की अगर हम लोग बात करें,
मुझे नहीं लगता कि कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है इस कंपनी से रिलेटेड, बहुत ही कमाल की एनबीएफसी है। देन अगर हम लोग बात करें ईआईडी पेरी भी, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो भी है। देन ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑटो इंसुलेटर वाली कंपनी, ये भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन सीजी पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी मुरुगप्पा ग्रुप के ही अंदर यहाँ पे आ जाता है। सो इस लॉजिक के हिसाब से एक रिप्यूटेड ग्रुप है ना, तो आप चाहो तो ईआईडी पेरी को क्या कर सकते हो, अगर शुगर सेक्टर में किसको स्टडी करनी है तो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बाकी कंपनीज में दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, वी डोंट नो, राइट? क्योंकि वो एंटायर सेक्टर अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वाला सेक्टर है, प्लस माइनस ऐसा चलता है, कोई ऐसा कंसिस्टेंसी हार्डली देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये